अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आप लोग देखोगे तो आज को लोग शुरू करते हैं। तो मैं आया हुआ था होटल पे, यहाँ से हम लेंगे 6 रोटियाँ और सालन भी लेंगे साथ साथ। ये हमारे बहुत पुराने चाचा हैं माशाल्लाह। नहीं, बहुत शुक्रिया चाचा। अब सालन दे दो 100 रुपये का, 100 रुपये का ना सालन दे दो। क्या आलू कीमा था भैया? मुर्गा था 100 रुपये का, ढूंढ पता नहीं। आलू कीमा है किस की है प्लेट है? बस 100 रुपये का दे दो। नहीं, मैं उधर आपको ढूंढ रहा था उस जगह पे, वहाँ फिर आप लोगों का वो नहीं था। चलो भाई, हमने अभी ले लिया है सालन रोटी ले लिया है, बस अभी हम जाते हैं जमीनों पे। चाचा करते हैं अल्लाह। अच्छा चाचा जी, अल्लाह बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा, तो अभी जाके जमीनों पे मिलते हैं आपसे। हाँ भाइयों, पहुँच गया आपका भाई जमीनों पे, खेतों में पहुँच गया है। और यहाँ पे ना आज पानी शानी लगा रहे हैं, ट्यूबवेल चला पड़ा है। अभी देखते हैं ट्यूबवेल चला हुआ भी है या फिर बंद है, क्योंकि मुझे आवाज़ तो नहीं आ रही ट्यूबवेल चले हुए की। तो ये मसला हो गया, बंदा भी कोई नज़र नहीं आ रहा। रोटी छोटी मैं ले आया था, और ये देखें उस दिन जब हमने गंदम उगाई थी ना, ये हल्की हल्की उगना शुरू भी हो गई है। ये ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं, ये उगना शुरू भी हो गई है। और अब पानी का टाइम है तो पानी लग रहा है। अभी देखते हैं, कोई लग रहा कोई मसला ना हो गया। लग तो रहा है, चल रहा है, नहीं बंद पड़ा है। ट्रैक्टर तो स्टार्ट खड़ा है, पर इसमें डीजल मेरे ख्याल से ख़त्म होने वाले है ना। स्टार्ट करके खड़ा तो कर दिया है। और कहाँ गए हो भाई? अंदर बंदा भी कोई नहीं है ना, यहाँ कोई है ना, ट्रैक्टर के पास कोई है, पता नहीं कहाँ गए सारे के सारे ना। आस पास कहीं कोई है, चाचे का कपड़ा तो पड़ा है, अल्लाह करे अंदर ना हो गई। कुएं में भी कोई नहीं है। कुआं आप देख सकते हैं कितना गहरा है ये कुआं, यार ये बहुत गहरा कुआं है। और ये हमारा ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल इसमें पानी शानी खड़ा है। थोड़ा सा गंद भी है, क्योंकि ना चिड़िया वगैरह घोंसले घोंसले बना देती हैं इस पोरंग के अंदर ना, चिड़िया घोंसले घोंसले बना देती है, फिर जो चलाते हैं ना तो फिर निकल के बाहर गिर जाते हैं। इतना साफ पानी है ना कि अंदर ईंटें भी नज़र आ रही हैं। वाह क्या बात है। ये गए कहाँ हैं वैसे? सारे के सारे मिल नहीं रहे, नज़र नहीं आ रहे, कहाँ गए हैं दोनों के दोनों? मैं ढूंढता हूँ मैं जाके, कहाँ गए पता नहीं, कहाँ निकल गए। रोटी को टांगेंगे यहाँ दरवाजे के साइड पे, और अभी इन्हें ढूंढता हूँ जाके, पता नहीं कहाँ भाग गए। जैसे फ्रेंड, ये हमने रास्ता बनाया हुआ है एक मतलब इस साइड से ना, इस साइड से निकल के अगर इस साइड पर जाना होगा ना, तो हमने एक रास्ता बनाया हुआ है बड़ा प्यारा सा, चारों दोनों तरफ दरख्त हैं। और ये बड़ा प्यारा रास्ता लगता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये रास्ता, और बड़ा मज़ा भी आता है इसमें चलने के लिए। उनको ढूंढते ढूंढते आपके भाई के पाँव पे कांटे लग गए हैं, ये देखें ये बहुत चुभते हैं यार, ये देखें ये बारीक बारीक कांटे होते हैं, बहुत चुभते हैं। ओए होए यार, ये उतर के गिर लग गए हैं इस पर, और ये बहुत तंग करेंगे अब। इधर भी चिपक गए हैं यार। ओए होए, ओ भाई साहब, यहाँ से जो सनसेट देखने का मज़ा आता है ना, क्या बात है यार। सामने रोड है और वो सामने सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है यार ये सनसेट। ये देखें आप कितना गोल्डन कलर का मून है, बिल्कुल गोल्डन रेड। ये देखें गौर से देखें, बिल्कुल गोल्डन रेड, क्या मज़े का सीन है यार कसम से। यहाँ जो शाम के टाइम का जो मंज़र होता है ना, अय हय मज़ा आ जाता है यार। कितना गया यार गुलेंदर, यहाँ तो आगू मैं फोन कितना, मैं घंटा दी गया था, मैं पहुंचा खड़ा दूसरा कोई को, मैं परेशान, मैं आगे मलता नहीं गया चोर होने था। मैंने थोड़ा रोटी छोटी घिना है थोड़ी, मैं डीजल घिना यार, डीजल डीजल पैसे घिना है ना, घिना वहीं वहीं था उन लेकर सीधा लग रहा वहीं ना डीजल को पैसे दे, पैसे दे। अच्छा मैं कहाँ थे थम यार, कहाँ थे थम? मैं एक घंटे तक आया हुआ यहाँ पर। क्या क्या किसकी बोसड़ी? आया डीजल लेकर आवा, ड्रमी वहीं से ले लेंगे ना, फिर वापस जाइए हो गया। हाँ होती है उनके पास ड्रमी, जल्दी आओ। तो गाइस यहाँ पे दुम्बे जा रहे हैं पठानों के, माशाल्लाह कितने प्यारे दुम्बे हैं यार। कितने का खान साहब ये दुम्बा? यहाँ से लेंगे हम एक ड्रमी, इनसे कहा है कि हमें ड्रमी में ना डीजल डाल दो, हमारी ड्रमी नहीं है अभी, ट्रैक्टर में डाल के हमें वापस करते हैं ड्रमी। 2000 रुपये का डीजल लेते हैं, उठाएंगे डीजल और अभी जाते हैं, बस अभी जा भरते हैं डीजल जाके ट्रैक्टर में और काम दोबारा शुरू करते हैं।
चाचा एक दफा फिर कहना क्या कहा था गधी की सही कह ले बाकी बताओ ना 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 पहले अपने मुंह से लो जोर ना ना एक दफा एक दफा ना ना क्या 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 अभी बस डीजल डालेंगे ट्रैक्टर के अंदर और शुरू करेंगे अपना काम। तो बोलो गेज वो नहीं होता जो ये चल गया है पीछे से चक्का चल गया और आगे से निकलेगा पानी ये आवंडे आवंडे पानी आया रुक गया आ गया पानी आ गया ये आ गया पानी। अभी ना हाथ साथ धोएंगे यहाँ से पानी थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं ये मैंने क्या फुवारा बनाया है। यहाँ डीजल सीधे डाल दिया ट्रैक्टर में और अपना काम स्टार्ट हो गया। पानी यहाँ से ना इस साइड वाली ज़मीन को पानी लगा दिया है और ये वाली साइड रह गई है ना तो अभी पानी यहाँ से जाएगा यहाँ से होता हुआ देखें अब जा रहा है सामने ये जा रहा है अपना पानी हौजियों से होता हुआ ये भी हौजी बनी हुई है ये साइड वाली ज़मीन की बनी हुई है ये जमीन ये इस साइड वाली ज़मीन की बनी हुई है। अभी पहले पानी लगाएंगे आगे सामने वो जहाँ पे जा रहा है आगे उस साइड पे उस साइड पे पानी लगाने के बाद फिर इस वाली ज़मीन पे पानी लगेगा। आप देख सकते हैं कितनी सारी लाल चूंटियाँ फुल लाल चूंटे ये एक दफ़ा डंग मार देना देखें ये बैठा है ये इन्होंने अब सुरंग बनाई हुई है ये बहुत खतरनाक काटते हैं मेरे भाई ये जब एकदम काट लेते हैं ना जलन होती है उस जगह पे ना और इतनी मोटी टूट जाती है जगह ये बहुत रेयर होते हैं और ये बहुत जालिम काटते हैं यहाँ पे। ये पानी वहाँ से होता हुआ यहाँ आ रहा है और उस साइड पे भी पानी लगा रहा है चाचा और फिर जब वो साइड कम्प्लीट हो जाएगी फिर यहाँ पर और तो अभी भाई खा रहे हैं रोटी और चाचा भी खाएंगे रोटी और अभी हम जा रहे हैं अभी मैं दूध शूध लेके आते हैं थोड़ा सा चाय शाय बनाएंगे यहीं पे और चाय पी के फिर आते हैं। ये देख रहे हैं गाइस रिस्क अल्लाह ताला ना किसी तरीके से जानदार चीज़ को दे ही देता है। अब आप ये देखें ये चूंटी हैं ये देखें ये कनक लेके जा रहे हैं देखें तो वो तो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी उठाई है ना रिस्क देने की हर बंदे को तो अल्लाह ताला रिस्क देता है हर बंदे को रिस्क देता है हर चीज़ को हर जानदार को एक चूंटी तो देखे अल्लाह ताला किस तरह रिस्क दे रहा है और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम वसीला जरिया बने हैं रिस्क का तो देखे अल्लाह ताला किस तरह रिस्क देता है जानवरों को और इंसानों को सबको अल्लाह ताला रिस्क देता है। लेकिन सच्चे इंसान को ना मुखलिस होना चाहिए अपने साथ हिम्मत है मर्दा मदद खुदा अल्लाह ताला ने रिस्क दिया इन्हें ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं रिस्क दिया लेकिन वो अपने रिस्क की मेहनत करके लेके जा रहे हैं अपने घर तक मेहनत करें और अल्लाह ताला पिछला देता है रिस्क देता है क्यों नहीं देता। यहाँ तो उठाएंगे ड्रमी और जाएंगे पेट्रोल पंप पे ड्रमी वापस देंगे जो गैलन है ये गैलन वापस दे के और वहाँ से लेके आएंगे दूध। ये भाई अपनी ज़मीन पे सफ़ेद के पौधे लगा रहे हैं सारी ज़मीन पे कितने पौधे लगाए हैं भाई लगाए वाह हिम्मत है ये हाथों से खोद खोद के पौधे लगा रहे हैं अपनी ज़मीन पर माशाल्लाह बड़ी प्यारी ज़मीन है इनकी भी ये सारे देखें किनारों पे ये सारे साइडों पे पौधे लगा रहे हैं और साथ बाल्टी के साथ पानी भी दे रहे हैं भाई को ड्रमी वापस देंगे ये भाई ड्रमी आ गई आपकी ठीक है ये ड्रमी यहाँ रखेंगे अभी लेंगे दूध जाके और अभी होटल देखते हैं दूध लेते हैं होटल से जा के थोड़ा सा चाय शाय बनाए हम वहाँ पर ये है पकौड़ों वाला होटल यहाँ से लेंगे दूध दूध है अंकल दूध है हाँ जी लेना हाँ दूध लेना है यहाँ से लेते हैं अभी दूध अंकल के पास आए हैं हम दूध शूध लेने जी फिलहाल जी हम चाचा के पास आए हैं यहाँ से हमने लिया चीनी और पत्ती का एक पैकेट लिया चाय बना सकें ताकि हम ये पत्ती आ गई अंकल से चीनी और ये पत्ता जी अंकल ये साथ वाला रकबा जो जी 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 ये अंकल का रकबा है बिल्कुल साथ वाले जो पौधे लगा रहे हैं बच्चे ये आपके लगा रहे हैं ना
ये पौधे शौधे जो लगा रहे हैं ना, इनका रकबे अंकल का। अच्छा अंकल शुक्रिया, अभी लेंगे दूध सामने से। जग तो उठाए, जग भूल गया मैं अंकल से, जग लिया मैंने। अभी दूध लेके ना वापस दे देंगे अंकल को जग, क्योंकि दूध गर्म है और वो फट छापर में लेंगे तो छापर फट जाएगा। अंकल से लिया हमने दूध। हाँ जी, चाहे वो है पतीली शतीली रखी हुई हमने। नहीं अभी बस, अभी एक घंटे का काम रह गया, एक डेढ़ घंटे का। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया अंकल से हमने दूध दिया। अंकल ने बड़े अच्छे तरीके से हमें डील किया और दूध दिया। नहीं बहुत शुक्रिया अंकल, रहता है दूध, बहुत शुक्रिया। तो अभी जा रहे हैं, बस यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग होते हैं हमारे इलाके के। और बस अभी जाते हैं और दूध की चाय शाय पकाते हैं। चीनी दूध और पत्ती ले ली हमने। वहाँ से आते हुए ना मेरे पाँव में कांटा घुस गया, मतलब जूती में ना, और मुझे पाँव में बहुत दर्द कर रहा है। मैं बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये दूध का जग और ये यहाँ रखेंगे, और ये देखें कितनी बड़ी लकड़ी अंदर घुसी हुई है, इसके अंदर कांटा है। ये देखें कितना बड़ा कांटा, ये मेरी जूती के अंदर घुसा हुआ था और मेरे पाँव में इतना दर्द कर रहा था ना शदीद किस्म का। अभी निकाला मैं वहाँ से चलता हुआ। शाम का टाइम है माशाल्लाह, और व्यू चेक करें आप, क्या व्यू आ रहा है। ये ट्रैक्टर खड़े हैं, ये पीछे सरसों का खेत लगा हुआ है सारा। ये देखो कितने प्यारे येलो कलर के फूल आए हुए हैं इनके ऊपर, सरसों के ऊपर। क्या कमाल लग रहे हैं यार, खुदा की कसम। ये देखें, ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें येलो येलो फूल आए हुए हैं पूरी सरसों के ऊपर, और क्या माशाल्लाह लग रहे हैं ये फूल। वाह कमाल कर दिया, और दिल खुश हो जाता है यार देख के। देखें आप पीछे कितना प्यारा व्यू आ रहा है, वो सामने जिधर आपकी नज़र जाएगी ग्रीनरी ही ग्रीनरी, सब्जा ही सब्जा, और बड़ा प्यारा माहौल होता है इधर का, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आता है बंदा। तो अभी बस हम चाय शाय बनाते हैं, चाय बना रहे हैं भाई, और जग देने गए मेरे ख्याल से वापिस आके चाय बनाएगा। मैं आया हूँ होजी का रुख चेंज करने के लिए, पहले पर चढ़ा लेंगे गिरेबानों को। और ये है होजी, इसका यहाँ से करेक्शन शुरू करना है और यहाँ से बंद करना है पानी। तो हम ये करेंगे, हम यहाँ एक ढक्कन है, इस ढक्कन को उठाएंगे, ये एक मिनट, इसको यहाँ से उठा के इसको हम यहाँ लगा देंगे। एक मिनट, तरीके से ये लग गया। अब ये होगा कि पानी इस साइड पे निकल जाएगा, उधर से बंद हो जाएगा पानी, और पानी अब जाएगा इस साइड पे। और यहाँ पे भर रही है चाय, भाई बना रहे हैं चाय। पानी घटा बीच ट्रै का पूरे थी वैसे है, नहीं ट्रै पूरे थी वैसे कब। अच्छा यहाँ बन रही है अपनी चाय, और नीचे लगा ली है आग, फुल देसी तरीके से चाय बना रहे हैं भाई। और कप कप कितने कप है ना। तो अभी भाई ने मुझे चाय दिखाई है, इसने कहा कि चेक करो कि मीठी है कि नहीं, गर्म हो रहा है कप, कप गर्म है, ठीक है मीठा मीठा टाइट है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, बाकी तुसा ठीक पींदे हो, चेक कर गिन, तू ही चेक कर गिन भी थे। घाटे पहाड़े कोई नहीं, खैर मैं पी गिनता, तुस अपनी देखो मेरी खैर है, तुसा कम करना इतना। तो ये ना देहाती लोग, मतलब ये ना थोड़े ये लोग होते हैं ना चाय में मीठा बहुत तेज पीते हैं, और तो इसलिए ये ना काम शाम करते हैं ना, मतलब भाग दौड़ वाला काम होता है इनका, थोड़ा मेहनत वाला काम होता है। तो ये लोग ना चाय में मीठा बहुत तेज़ पीते हैं, और हम लोग तो घर में थोड़ा कम पीते हैं ना वो। तो ये भी चाय लेके जा रहा है वहाँ ज़मीन पे, आग जली छोड़ गए थे, बुझाएंगे आग को, क्योंकि साथ ट्रैक्टर भी खड़ा है और सामान सामान भी पड़ा है, इसको आग को बुझाएंगे। आग बुझा दी है, बट ट्रैक्टर के कोयले जल रहे हैं उसकी खैर, ट्रैक्टर के बाद बहुत तेज है, बहुत तेज, कानों में गर्म कर दिया मेरे।
और इसको इग्नोर कीजिएगा, पूरे ब्लॉग में आपको ट्रैक्टर की आवाज़ आई होगी लेकिन प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और भाई क्या आ रही है यार, मज़ा आ गया कसम से, क्या पुरसकून माहौल है। लेकिन भाई ये ट्रैक्टर की आवाज़ ही कानों में घूम रही है, ये बहुत अजीब सा लग रहा है कानों में ना, सुन हो रहे हैं कान की बजती रहती है कान में तो। और अभी अगर आप मैं घर चला जाऊँगा ना तो मुझे ऐसे फील होता रहेगा जैसे ट्रैक्टर चल रहा है और कानों में ट्रैक्टर की आवाज़ गूंजती रहेगी काफ़ी देर तक ना। ये होता है, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ ना तो ट्रैक्टर यहाँ चलता रहता है ना, मतलब बैठे रहते हैं यहीं पर तो आवाज़ हल्की हल्की आती रहती है कानों में। तो अभी जाते हैं, इसको पार करते हैं नाले को, ये हमने कूद के पार कर लिया नाला। अभी मैं आया था कस्सी उठाने, मेरा पूरा पाँव अंदर चला गया और ये देखें ये उठा ली हमने कस्सी और ये वापस जाना बहुत मुश्किल हो गया। ये देखें पूरा पाँव, ये देखें आप अंदर चला जाता है, ये देखें ज़मीन के अंदर यहाँ, ये देखें थोड़ा सा यहाँ से पाँव शाँव धो लेते हैं। अच्छा तो भाई अपनी चाय आ गई, गर्मा गर्म चाय, थोड़ी ठंडी हो गई है। हाँ बस ठीक है, गुजारा हो जाएगा। हाँ ये मुझे नहीं देते, मैं गर्म करके पी लूँगा। तो भाइयों अभी इस शाम के साथ, इस खूबसूरत शाम के साथ अपनी चाय को एंजॉय करते हैं। मैं पी रहा हूँ गर्मा गर्म चाय और बड़ा मज़ा। भाई अभी पानी शानी पिला रहे हैं चाचा और वर्कर लगा खड़ा है, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ घर। थोड़ा सा रह गया बस, थोड़ा सा यहाँ एरिया रह गया, अब थोड़ा सा 15-20 मिनट का पानी रह गया, मैं जा रहा हूँ घर। तो इसी के साथ अभी घर जाता हूँ भाई। मैं घर आ गया था, पीछे का ट्रैक्टर भी आ गया घर वापस। ये रहा ट्रैक्टर और ये भी वापस आ गया। क्या हुआ, ख़राब हो गया क्या हुआ बैटरी? बैटरी यही, एक मसला हो गया ट्रैक्टर की, इन्होंने बैटरी ख़राब कर दी है भाइयों ने। ये जो आए हैं ड्राइवर तो भाई रो बोल रहे हैं कि क्यों ऐसे रखी तुमने, उसकी जगह पे रखो, बैटरी की ख़राब हो गई है वो। ट्रैक्टर ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। तो अभी मैं खा रहा हूँ खाना और यहाँ पे है खाने में आज मक्खन, मतलब आलू, और ये साथ है शिमला मिर्च और साथ है मक्खन। और अभी हम खाएंगे मक्खन के साथ, और साथ दही भी पड़ी है। तो ये दही पड़ी है और ये बिल्ली तंग कर रही है मुझे, ये सफ़ेद बिल्ली है हमारी और ये मुझे बहुत तंग कर रही है, मुझे खाना नहीं खाने दे रही। अभी आपको दिखाता हूँ, ये जैसे सुनेगी ना, अभी देखना नवाला लगाएंगे ना, और ये इसकी, इसको सुने, ये देखो टेबल पर चढ़ गई है। तो अभी खाते हैं बस खाना, खाना शाना खा के ना फिर इसके साथ व्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह आपका भी एक दिन कामयाब होगा। तो इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं, ओके अल्लाह हाफिज़।